हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं तो आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आप आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको 6 बजे सो के उठना है और 6 to 8 का टाइम जो होगा ये 2 घंटे का टाइम होगा। इस टाइम पे आपको फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल के लिए रेडी भी होना है और इसी 2 घंटे के टाइम के अंदर ये सब काम करने के बाद कोशिश करेंगे कि आप किसी एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। जो भी आपको पसंद है, जो भी आप उस टाइम पे कर सकते हो ज़रूर करेंगे, भले ही वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको ज़रूर करना है। जितना आप कर सकते हो, भले आप 30 मिनट करो, 45 मिनट करो, जितना आपको टाइम मिलता है, बट ज़रूर करना है। उसके बाद आपको स्कूल के लिए निकल जाना है, तो 8 to 3 ये आपका स्कूल टाइम होगा क्योंकि प्री बोर्ड्स का टाइम है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होगी, अगर नहीं पढ़ाई हो रही है तो खुद भी पढ़ाई करना क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ और जितना अच्छा स्कोर आप प्री बोर्ड में करोगे उतने अच्छे आपके बोर्ड में मार्क्स आएंगे। उसके बाद आप 3 to 4:30 तक आप घर पर आ जाओगे। इस टाइम पर लंच लेके, फ्रेश होके, नैप लेके आपको रेडी हो जाना है क्योंकि अब आपका स्टडी टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो 4:30 to 6 PM ये आपका स्टडी टाइम है। जो भी स्कूल में पढ़ाया है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं कि ये प्री बोर्ड में आने के चांसेस हैं, तो उन टॉपिक्स को घर पर आकर ही याद करो, समझो और उनको लिख कर देखो कि आपको वो समझ में आया है कि क्या नहीं, क्योंकि आपने वो स्कूल में पढ़ा है तो आपके माइंड में वो अभी ताज़ा होगा, फ्रेश होगा, तो आप उसको अगर फिर से पढ़ लोगे तो आपको वो कन्फर्म याद हो जाएगा। तो ज़रूर ये कर लेना, भले ही वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी स्कूल में पढ़ाया हो, इस टाइम पर उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर 6 to 6:30 ये आपका स्नैक टाइम है, कुछ खा पी लो जिससे आपको एनर्जी मिल जाए, पानी वानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद 6:30 to 8 इस टाइम पर आपको अपनी साइंस या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, रोज़ करनी है प्रैक्टिस अच्छे से, या फिर शिफ्टिंग कर सकते हो कि एक दिन आपने मैथ्स कर ली पूरे टाइम या फिर एक दिन आपने साइंस कर ली, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 8 ये आपका डिनर टाइम है, तो डिनर करेंगे आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिनर कर लेंगे। हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। उसके तुरंत बाद आपको स्टडी करने बैठ जाना है। 9 to 10 आपको स्टडी करना है। क्या करना है स्टडी? इस टाइम पर भी सेम रूल, मैथ्स और साइंस इस टाइम पर भी पढ़नी है। और अगर आपने सुबह के टाइम में मैथ्स पढ़ ली थी तो इस टाइम पर किसी दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं, जैसे कि SST हिंदी इंग्लिश को टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रेशर है, एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो कोशिश कीजिए कि आफ्टर 10 भी स्टडी कीजिए और आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, लर्न कीजिए अच्छे से, जितना हो सके सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे आप सो सकते हैं ताकि आप सुबह उठ पाएँ। और एक प्रो टिप है कि प्री बोर्ड जब करीब है तो कोशिश करो स्कूल से लीव मिल सके तो बेटर है, क्योंकि उससे आप अपने घर पर वो 6 घंटे स्कूल के अपने सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़रूरी होती है फॉर दी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स। तो ये था आज का टाइम टेबल, होप आपको सुनवाया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।